विष्णु जी ऐसे चिल्लाए थे तो हम सब लोग तुरंत ही दौड़े चले इधर आ गए, लेकिन तुम्हें आने में इतना देर काहे लग गया? इस घर की चार दीवारी में रहकर कोई हमारे ही बीच में हमारे साथ खेल खेल रहा है। अब हमें ये गेसिंग गेम बंद करना होगा। जब बाबा जी का भविष्यवाणी में साफ साफ तुम्हारा नाम लिया गया है तो काहे सब ड्रामा करवा रही हो? जानते हैं ये सब दुख क्या धरा है ना, वो तुम्हारा ही है। चलिए विष्णु जी, दवाई खा लीजिए। नहीं सृष्टि जी, रोइए मत। हम अपने अंदर के डर से जीत सकते हैं, लेकिन सृष्टि जी आपके आंसू से हार जाएंगे। आपकी हिम्मत में हमारी हिम्मत है। प्लीज सृष्टि जी संभालिए अपने आप। अगर आपको कुछ हो जाता बस सृष्टि जी प्लीज मत रोइए। सृष्टि जी एक गिलास देख रही हैं आप? इस आधे भरे हुए गिलास से है ना हमें पापा की दी हुई एक बहुत अच्छी सीख याद आ रही है। सृष्टि जी एक गिलास को देखने के दो तरीके हैं। कोई देख के कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है और कोई देख के कहेगा कि गिलास आधा खाली है। हम कुछ समझे नहीं विष्णु जी। जो आदमी इस गिलास को देखकर ही कहेगा ना कि गिलास आधा भरा हुआ है उसका मतलब वो आदमी पूरी उम्मीद से भरा हुआ है, और फिर वो हमारी चोट देखकर कहेगा कि तू बहुत छोटी सी चोट है वरना होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। यानी वो आदमी अपने आप में और इस गिलास में दोनों में नाउम्मीदी देख रहा है। इसका मतलब सृष्टि जी उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, और फिर वो कहेगा कि इतना चोट कैसे लग गया, इतनी परेशानी कैसे आ गई, अब तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा। और अब सृष्टि जी चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो लेकिन एक आदमी को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस अंधेरे से निकलने का ना सिर्फ एक रास्ता है, और वो है टार्च, उम्मीद की टार्च। इस टार्च को और हमारे हाथ को कभी मत छोड़िएगा। आज जो कुछ भी नीचे हुआ ना उससे हम बहुत घबरा गए थे, डर गए थे, और गुस्सा भी आ रहा था। थक गए हम इस रोज रोज की लड़ाई से सृष्टि जी, लेकिन सृष्टि जी हमारी उम्मीद ना सिर्फ आप है, और ये उम्मीद आप कभी मत छोड़िएगा। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू। सच बात तो ये है कि आप ही हमारी हिम्मत और उम्मीद दोनों हैं। हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। देखो दुलरिया, हम तुमसे जो कहे थे ना वो मेहरबानी करके ना काम कर देना। हम पूरा काम कर लूंगा। तुम बोलती रहती हो बस। अरे देवर जी इसको काहे बाहर ले आए? खाना हम कमरा में ही भिजवा देते। अब जेठानी जी अब बहुत ही सही कह रही है, लेकिन वो कहा है ना कि जब पूरे घर परिवार में मुसीबत आती है ना तो परिवार वालों को एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। वो कहा है ना कि एक दूसरे का चेहरा देखकर बहुत ही हिम्मत पड़ती है। हम बस वही सोचे और यहाँ चले हैं। कोई बात नहीं सृष्टि जी, अब हम ठीक है, और वैसे भी हम कमरे में बैठकर है ना उब गए थे। जेठानी जी एक बात बताएं हम आपको, वो जो चाकू था ना वो बस ना एक इंच दूरी पर था। अगर वो हमें लग जाता ना तो कसम अंजलि ना जूली की हाँ, आप सबके साथ धरती पर बैठकर लंच करने के बजाय हम वहाँ भगवान जी के साथ स्वर्ग में लंच कर रहे होते। हम तो बस मर ही गए होते, हमारी जान निकल जाती, बच गए हम।
विशु जी, कल रात आपको बुखार था ना? हम ऊपर चलते हैं, हम आपका नाश्ता वहीं। जरूरत नहीं है ऊपर कमरा में जाने का। विशु, तुम यहाँ आओ बेटा, हमारे पास आओ। चलिए। खार तो बिल्कुल ही नहीं आए। तुम यहाँ आओ, यहाँ बैठो। ये तुम्हारा मनपसंद ना, हम उका कहता लीची का शरबत बना लेता, तुमको बहुत पसंद है ना? और हम ना देवर जी, आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाए हैं, अभी देते हैं। और विशु भैया, हरी नगर में ना एक बहुत अच्छी मूवी लगी, आप चलोगे हमारे साथ? अरे एकदम सही बोल रही दिव्या, एक काम करते हैं ना, कल ये लेके चलते हैं। विशु चलेगा, तुम भी चलो। हाँ, कौनो जरूरत नहीं है, विशु जो है वो घर के बाहर कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम लोगों को जो भी मौज मस्ती करना है वो घर के अंदर करो। हैं, नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं हमको? कल से नया साल आ रहा है, नया साल। अरे तो ऐसा मौका पे कुछ खास तो होना चाहिए ना अपना घर में, क्या बच्चों? पापा, इस बार न्यू ईयर पे पार्टी करें। बिल्कुल बेटा। हाँ दिव्या, एकदम तुम ठीक बोली हो, इस बार ना हम पार्टी करते हैं। वैसे भी हम दोनों बहुओं का पहला साल है ससुराल में। पार्टी उटी ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, ज्यादा जो है वो भीड़ भड़क का नहीं ना जमा करना है। आने दीजिए श्रीमती जी, आने दीजिए लोगों को। जब हमारा बेटा इतना बहादुर है तो फिर हम काहे कमजोर दिखें किसी के सामने। आने दीजिए, इस बार नया साल खूब धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। और आप सबको मैं एक बहुत जरूरी बात बता दूं, इस बार पापा विशु को न्यू ईयर पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले। आप, आई एम वेरी सॉरी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बताने दो। अरे विशु, वो कौन सा गाना था बहुत फेमस, वो लिट्टी चौका बनलबा बहुत मजेदार, वो कौन सा सॉन्ग था वो? हाँ, जो खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार, है ना? रवि किशन जी। एग्जैक्टली, रवि किशन जी। सो आज वही रवि किशन जी हमारे यहाँ हमारे घर पे हम सबके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। सचो, और रवि की संताओं को बहुत पसंद है। आपको जानती हूँ उसका एक और गाना है, तो हर लहंगा वो गाना निम्ने है। भैया, रवि किशन जी हमारे घर पर आ रहे हैं। हमारे घर पे आ रहे हैं न्यू ईयर पे। सच्ची पापा? हाँ बेटा, एकदम सच्ची। काम का कह रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज रात को इतना बड़ा जश्न है, सारा तैयारी कैसे ना होगा? माँ, डेकोरेटर्स को मैंने बुला लिया है, सब इंतजाम हो गया, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया किया आप लोगों ने। है दिव्या, दिव्या सुना तुमने? तुमको याद है हम बचपन में गाया गाया करते थे उनका, लिट्टी चोखा बनाई लू बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार, लिट्टी चोखा बनाई लू बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार। अरे आओ आओ, देखो हमने तुम दोनों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि हम तुम दोनों को ये बात बता सकें कि हमने रवि किशन जी को यहाँ सिर्फ विशु को मिलवाने के लिए नहीं बुलवाया है, बल्कि उसके पीछे एक दूसरा कारण है। क्या कारण है पापा? देखो बेटा, घर में भीड़ भाड़ का माहौल देख के ना वो कातिल इस मौके का फायदा उठाने का पूरा कोशिश करेगा, बस उसी समय हम लोग को उसे रंगे हाथों पकड़ना है। पर ध्यान रखना कि हम लोग से कोई चूक नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ा सतर्क रहना होगा हम सबको। भैया, प्लानिंग तो बहुत ही अच्छा किया है आप, सोच रहे हैं कि बात ना हम तीनों के अलावा कौनों को पता न चले तो अच्छा रहे। हाँ हाँ ब्रिश, हम भी यही चाहते हैं कि बात औरतों तक नहीं जाए, क्योंकि वो सब विषय को लेकर पहले ही बहुत परेशान है, उनको और परेशान करके क्या फायदा। बेटा तुम औरतों से कहना कि वो पार्टी की जम के तैयारी करें। हाँ, इसी बहाने उन सबका मन भी बहल जाएगा। ठीक है, आप सही कह रहे बाप, हम तीनों मिलके सब संभाल लेंगे। यार, हम विशु के कातिल को पकड़ने के लिए ना अपने विशु को बचाने के लिए अपना जान लगा देंगे, लेकिन वो ना हमसे बच नहीं पाएगा, ये बात तय है। छोड़ी देनी ससुर को। हे
दुलरिया कहाँ रह जाती है लड़की पता नहीं। ये दिव्या जाके देखो दुलरिया कहाँ है, सब आना शुरू हो गया है, जाओ। नमस्ते। देखो ये हमारे आपस की बात है कि हम विश्व के कातिल को पकड़ना चाहते हैं, पर जो भी मेहमान आ रहे हैं वो तो नया साल मनाने और रवि किशन से मिलने आए हैं ना, उनमें से किसी को भी हमारे चेहरे पे तनाव या परेशानी नहीं दिखना चाहिए। या आप निश्चिंत रहिए, यह पार्टी चलता रहेगा, बाकी अपना काम आप करते रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। और एक बार वो हाथ लग गया ना तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शाबाश बेटा, ध्यान रखना। अरे दवा श्रीमती जी, आप उदास कहाँ हैं? नया साल का मौका है, अब मुस्कुराइए। और रवि किशन जी ऐसे आपको देखेंगे तो कहेंगे लीजिए, विद्वान जी तो इनका ध्यान ही नहीं रखते हैं। कैसा बात कर रहा है? अरे नया साल में खुश रहना चाहिए श्रीमती जी। और देखिए जरा तैयारी वारी हुआ कि नहीं सब? हाँ, बस वही देख रहे हैं। केक बन गया, उसमें ना बस थोड़े। बाबूजी, अब बाबूजी आ गए, आप कब से वेट कर रहे हैं हम आपका। पीते रहिए। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? अब पराग भैया आपका है, अपना हाथ में हाथ बांध के खड़े हैं यहाँ पे, अब पता है कितना काम है हमें। चलिए चलिए, आइए हमारे साथ, चलिए आइए। हाँ तो चलो चलो चलते हैं। बहुत काम है तुम्हारे लिए, अभी बताते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी बताते हैं। बहुत अच्छा लगा कि जस्ट में आपकी शामिल। रवि जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार समधन जी। नमस्कार समधन जी, कहाँ है? जी जी श्रीमती जी आइए ना, समधन जी बुला रही हैं। नमस्ते। बहुत अच्छा किया विक्रांत सिंह जी की इस नए साल के जश्न में आप सब भी शामिल हो गए। जश्न का तैयारी भी बड़ा जोरदार किए हैं समधी जी। हाँ हाँ, कोशिश तो किए हैं। और हमने सुना है कि रवि किशन जी आ रहे हैं। बच्चों का मन था कि उनको बुलाया जाए, तो हमने कहा देखते हैं। आइए ना बेटा जी, आइए। आप यहाँ आइए। पराग भैया देखो कितना काम पड़ा है, जो बर्तन है ना इसको पानी में डुबो के कपड़ा से पोंछ के अच्छे से समेटने हैं। और ये जो छुटका पापड़ है ना, ये सब इसमें डाल देना है, ये नमकीन भी इसमें डाल देना, और ये जो जब सब काम हो जाएगा ना तो ये जो शरबत है ये इसमें डाल देना, हमें बाहर का काम भी तो संभालना ना, हम आते। अरे सुनो एक मिनट, सुनो इधर सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। काहे? अरे हम ये गिलास बर्तन पोंछने आए हैं। हाँ, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, शरबत, बड़ा पापड़, इसमें काम तो काम होता है, उसमें कौन सा बड़ा बात है। अगर काम तो काम होता है मतलब कुछ भी कर देंगे क्या? सिनेमा बनाने के लिए पैदा हुए हैं, इतिहास रचने के लिए, समझ गई तुम? ये छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं, गिलास में शरबत डालने, कच्चा पापड़ पकाने हम जा रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हें जो है अब प्रोड्यूसर बनना है, सिनेमा बनाना है, लेकिन बाबूजी की डर से आज तक तो लिट्टी चौका भी ढंग से नहीं बना पाए हो। हमारे पास जो है आपके लिए एक लल्लन टॉप न्यूज है। हाँ दो दो, अब लेके तो आई हूँ यहाँ पे, कार न्यूज होगी दो। अरे हमारे जो ससुर जी है ना, वो तुम्हारे फेवरेट को बुलवाए हैं, रवि किशन। रवि किशन? हाँ 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 हाँ, आ रहा है, अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो जो भी तुम्हारे ये जो हमको नहीं पल्ले पड़ता है सिनेमा सिनेमा का काम है, बात कर लेना, कुछ तो रास्ता निकल जाएगा। तुम हमारी बहन हो, सर्टिफाइड कर दी हो एकदम तुम। क्या करना है अभी? काम कर। अरे सृष्टि, अरे देखो अपने आप को, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो, और सब आने वाले होंगे, जाओ जाके तैयार हो। अच्छा तुमने अपनी हालत देखी है, तुम कौन सा तैयार हुई हो? चलो जाके साथ में। अच्छा भाभी, ये आपने मंगाया था ना, हम ले आए। आप दिव्या जी कैसी कैसी हैं? कहा है कि हम आए थे बाबूजी के साथ, तो मैंने तो ये फोन बिगाड़ा, गलत टाइम पे बजने लगता है। जब देखो तब फोन बज जाता है, जब भी हो। कहा है कि रागनी हमको जबरदस्ती ले आएगी, भैया चलिए जरा अंदर कुछ मदद कर दीजिए, मेहमान काफी आए हैं ना चक्कर में। आप क्यों, हम कर देते हैं। नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रही हैं, आप करें हम करें, बात तो एक ही है, मिल बांट के भी कर सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो
मीठे से शुरुआत हो सकता है जी। नहीं मतलब कि जैसे आज इतना अच्छा दिन है, न्यू ईयर का पार्टी है, तो मिठाई ढाई तो जरूरी है। वैसे मिठाई तो है नहीं, हल्दी हम करते। आइए आइए आइए। वैसे मीठा नहीं तो नमकीन तो खा ही सकते हैं, हैं? और पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक कर लिए। अरे अरे रवि किशन जी आ गए, अरे रवि किशन जी आ गए। ये बहुत जल्दी आ गए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। रवि किशन है, ये तो गरीबों का रवि किशन है। पीसू बाबू आप नाते का गरीब से सोच हटावा है, आप भड़का सोचो। देखो हम कितना सुंदर लग रहे हैं। हाँ उनकी कायम वाली भाई लग रहे हो। अब कब देख रही हो तुम, आज के दिन नहीं हम इनको मारना चाहते हैं, बाकी तयू कितना बकवास करते हैं। बेस बना रखा तूने। बड़का पुपाऊ का है ना कि हम रवि किशन के बहुत जावर फैन है, तो हम उन्हीं के जैसन तैयार हो गया। और का कैसन लग रहे? हम का बोले तुम अपने फुआ से ही पूछो। अरे तुमसे बढ़िया कोनो लग सकता है का? हमको तो डर का है पता है, पर रवि किशन जो है तुमको अपना साथ ही ना ले जाए। सचो का बुआ? तो हम बम्बई चल जाएंगे, वही पे है वो। चलो बहुत हो गया ये नाटक नौटंकी, जाओ घर में तैयारी में सबका हाथ बटाओ, तब तक हम दरवाजे पे असली रवि किशन जी का इंतजार करते हैं। हाँ चलो अब बहुत काम बचा है, आपका सूट बूट में कौन काम करता है? चलो हमारा अरे पूरा सूट बूट में कौन काम करता है? हम कितना तैयार हुए थे। अरे अरे रज्जो रानी एकदम से बला बन गई है, अरे दिने में तारा दिखाइए का हमको। चाचा चाचा अपने काम पर से ध्यान मत हटाइए, क्या कर रहे हैं? अरे बास का नजर है भाई, चारों तरफ रखे हुए हैं, टेंशन मत लो। पक्का ना? हाँ चाचा जी। अरे मेरी बात सुनिए, आज वो यहाँ फिर आएगा और उसे हमें किसी भी कीमत पर आज पकड़ना होगा, प्लीज थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। अनुराग तुम परेशान मत हो, हम पूरा नजर रखे हुए, आने दो उसको, छोड़ेगा नहीं सारे परिवार, पटक के मारेंगे, भूख छोलेगा उठ नहीं पाएगा, देख लेगा जी। अरे अरे ठकुरा है, यही तुम्हारी होने वाली देवरानी है का? वो विद्वान बाबू ने ये उम्र में क्या सोचकर, वैसे इसकी उम्र क्या है? अरे ओ काकी का हुआ, हमरा उम्र जानकर पूरा गांव में लड्डू बांटना है का? यहाँ पार्टी में आए हो ना तो अच्छे से खाओ पियो नाचो गाओ मजा लो और सीधा ना 9-2-11 हो जाओ का समझी? जा के ना अपना काम का, मेहमानों को यह संभाल रहे। जी जेठानी जी, वैसे भी कसम अंजलि ना जूली की, आप हमें जैसा कहेंगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आपका बात हम नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा? हम जाओ यहाँ से। आप तरी ठंडा लीजिए, हम अभय आते हैं।
यहाँ रह गए अब तक तो आ जाना चाहिए था। बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या बटाने वाला फंडा तो हरिया है। इसको कहते